अरविंद केजरीवाल के पापों का घड़ा भर चुका है। अरविंद केजरीवाल ने चोरी की है, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, और उस बातों से बचने के लिए एक गुंडों की भाषा जैसे होती है, जैसे कोई गुंडा पकड़ा जाता है तो वो अपने बचाव में कुछ बोलता है, उस भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहिए ना कि अगर शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली, क्यों नहीं बोलते, तारीफ कर रहे हैं शराब नीति की, शराब नीति बहुत बढ़िया थी, बताएं कि शराब नीति वापस क्यों ली अगर उससे फायदा हो रहा था, बताएं कि ठेकेदारों की जो कमीशन थे 2% से 12% क्यों की थी, उसका 6% पैसा किसको जाता था, बताएं शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किए, बताएं दिनेश अरोड़ा, दीपक महेंद्रू, समीर महेंद्रू, विजय नायर, अरुण पिल्लई, इनसे क्या संबंध है उनके, बताएं कि उनके घर पर सी अरविंद, जो दिल्ली की सरकार के अफसर हैं, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुझे बुलाकर इस आबकारी नीति में परिवर्तन करने के लिए कहा गया, उस समय अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे, क्यों नहीं बोलते, काम की बात अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे, सिर्फ जनता को बहकाने के लिए दुनिया भर की बातें करेंगे, कस्में खाएंगे, लेकिन चोरी की है, भ्रष्टाचार की है, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल, अगर राघव चड्ढा ने ये कहा है तो मुझे लगता है कल जब सुबह राजघाट जाएंगे तो उनको शर्म आनी चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं देश के, उन्होंने देश के लिए त्याग किया है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, सेना के पराक्रम पे उंगली उठाई है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, दिल्ली की जनता के पैसे लूटे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है, बच्चों की झूठी कसम खाई है। ऐसा कोई सगा नहीं केजरीवाल ने जिसे ठगा नहीं, ये है अरविंद केजरीवाल। कहाँ तुलना कर रहे हैं महात्मा गांधी से, शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से उनकी जांच, आप जिसे विपक्ष कह रहे हैं, हम उसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी कह रहे हैं। ये भ्रष्टाचारियों का टोला है जो इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। तो ये भ्रष्टाचारी कितने भी इकट्ठे हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म होकर रहेगा, और निस्संदेह जिस जिसने भ्रष्टाचार किया उसका परिणाम वही होगा जो मनीष सिसोदिया का हुआ है। दिल्ली विधानसभा, अरविंद केजरीवाल विधानसभा का सत्र इसलिए बुलाते हैं कि उनको एक वो चाहिए, कवच चाहिए अपनी झूठी बातें बोलने का, क्योंकि विधानसभा के अंदर वो जिस तरह की बातें बोलेंगे उस पर प्रिविलेज नोटिस नहीं आता, इसलिए वो उसका सहारा लेते हैं। वो विधानसभा को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो शर्मनाक है। एक आखिरी सवाल, हमने शराब घोटाले के जो सवाल पूछे हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल भागते हैं, जिसका जवाब नहीं देते, जिससे मुंह छुपाते हैं, तो वो सब वो कार्यकर्ता हमारे वो कार्यकर्ता रोज उनसे वही सवाल पूछेंगे कि शायद अरविंद केजरीवाल कभी तो बोलेंगे। लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।